अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ हांडी गोश्त, जिसके लिए मैं 1.5 kg ये मटन ले ली हूँ। मटन धुल के मैं अच्छे से इसे रख ली हूँ। ये स्पाइसेज है, 3 हरी मिर्च, 1/2 teaspoon गरम मसाला, 1 teaspoon धनिया, 1 teaspoon जीरा, 1/2 teaspoon हल्दी, 1/2 teaspoon ये कश्मीरी मिर्च है, 1 teaspoon रेगुलर मिर्च, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, हरा मिर्च 3, 6 बड़े साइज की प्याज जिसे मैं कट कर रही हूँ, ये लहसुन अदरक है, 5 लहसुन है, 2 टुकड़ा अदरक का जिसे मैं मोटा मोटा क्रश कर ली हूँ, ये कुछ खड़े मसाले हैं, 1/2 teaspoon सहजीरा है, 1/2 teaspoon पोस्तो है, 3-4 हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, जावित्री, काली मिर्च, जायफल का टुकड़ा। अब मैं सबसे पहले गोश्त में ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे, ये खड़े मसाले, लहसुन अदरक, प्याज, ऑयल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब मैं इसे ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली। अब मैं इसमें ये हांडी में रख दूँगी। देखिए ये हो गया। अब मैं चूल्हा जला लूँगी और इसे चूल्हे पे रख दे, इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। अब मैं इसे लो फ्लेम पे करके इसे छोड़ देंगे, ऐसे ही लो फ्लेम पे ही धीरे धीरे ये पकेगा। आधा घंटे के बाद मैं इसे देखूंगी। देखिए ये हो गया। इसको बनाने में पूरा टाइम 1.5 घंटा लगा है, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही रखे थे, 1.5 घंटा में ये तैयार हुआ है। अब मैं इसे चूल्हे से उतार लूँगी। आप इसे अगर मिट्टी की हांडी नहीं हो तो आप इसे पतीले में भी बना सकते हैं।